मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली दिखाई जाती है और इस फैमिली का नाम कॉलिन फैमिली था। इस फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स थे, एक छोटा बच्चा जिसका नाम बर्नाबस है और उसके पेरेंट्स। ये एक काफी रिच और हैप्पी फैमिली थी क्योंकि बर्नाबस के फादर फिशिंग का बिजनेस करते थे जिसमें उन्हें काफी प्रॉफिट होता था और वो कंपनी काफी फेमस थी और उनके पैलेस का नाम कॉलिनवुड था। फिर देखते ही देखते बर्नाबस बड़ा हो जाता है और वो पैलेस में ही काम करने वाली एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और उस लड़की का नाम एंजेलिक था। एंजेलिक बर्नाबस को कहती है कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करो, जिस पर बर्नाबस कहता है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। असल में बर्नाबस किसी और को पसंद करता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था, इसीलिए एंजेलिक को ये बात बुरी लग जाती है और वो बर्नाबस से बदला लेना चाहती थी। इसीलिए वो ब्लैक मैजिक करके बर्नाबस के पेरेंट्स को मरवा देती है और साथ साथ वो बर्नाबस को भी कर्ज देती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो मर जाएगी। इसीलिए एंजेलिक उस लड़की को पोजेस करके उसे सुसाइड करवा लेती है। इस बात से सैड होकर बर्नाबस भी सुसाइड कर लेता है, लेकिन बर्नाबस के मरने से पहले ही एंजेलिक वहाँ पर आ जाती है और वो बर्नाबस को शैतानी वैम्पायर बन जाने का कर्ज देती है जिससे बर्नाबस की सोल इमोर्टल हो जाती है। फिर एंजेलिक वहाँ के सारे लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि बर्नाबस एक वैम्पायर है, इसीलिए वो उसे कब्र में दफना देती है। इस इंसिडेंट के बाद तकरीबन 200 साल का टाइम गुजर जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काम ढूंढने के लिए कॉलिन वुड्स यानी उसी पैलेस में जा रही थी और इस लड़की का नाम विक्टोरिया होता है। फिर जब वो कॉलिन वुड्स यानी उस पैलेस में जाती है तो वहाँ जाकर वो बताती है कि मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ और साथ ही वो वहाँ पर लगी बर्नाबस की पिक्चर को देखकर पूछती है कि ये कौन है। और तभी अचानक से वहाँ पर इस पैलेस की ऑनर आ जाती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ और वो विक्टोरिया को घर के बारे में सब कुछ बताती है और वो विक्टोरिया को कहती है कि मेरी सिस्टर का एक बेटा है और मैं तुम्हें उसके लिए हायर कर रही हूँ। विक्टोरिया एलिजाबेथ से उस बच्चे की मदर के बारे में पूछती है जो कि एलिजाबेथ की सिस्टर थी, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि उसकी मदर की समंदर में डूबने से मौत हो गई। फिर एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी से मिलवाती है और खाने के टेबल पर विक्टोरिया उस बच्चे के फादर से मिलती है और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ की फ्रेंड आ जाती है जो कि एक साइकाट्रिस्ट थी। फिर वही बच्चा चादर ओढ़ कर विक्टोरिया को डराने आता है, जिस पर एलिजाबेथ उस बच्चे को बताती है कि ये आज से तुम्हारी न्यू टीचर है। वो बच्चा कहता है कि मेरी मदर मरी नहीं है। इस बात पर विक्टोरिया उस बच्चे का साथ देकर बोलती है जिससे उस बच्चे के फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद विक्टोरिया अपने रूम में चली जाती है जहाँ एक बार फिर से कोई उसे चादर ओढ़कर डराने आया था और जब वो चादर हटाकर देखती है तो वहाँ पर एक सोल होती है जो विक्टोरिया को बताती है कि वो आ रहा है। यहाँ पर विक्टोरिया को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो सोल का पीछा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे जहाँ पर उन्हें खुदाई करते हुए कब्र में से एक कॉफिन मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उस कॉफिन को खोलते हैं बर्नाबस बाहर आ जाता है और वो एक एक करके सब पर अटैक कर देता है और उनका खून पीकर उन्हें मार डालता है। फिर वो एक आदमी से पूछता है कि बताओ क्या कॉलिन फैमिली का कोई मेंबर अभी भी जिंदा है, जिस पर वो आदमी कहता है कि जी हाँ, कॉलिन फैमिली में अभी टोटल 4 मेंबर रह गए हैं। बर्नाबस उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उसे अपना गुलाम बना लेता है जिससे बर्नाबस को पता चलता है कि 200 साल गुजर चुके हैं। फिर बर्नाबस अपने घर यानी कॉलिन्स वुड जाता है जहाँ जाकर वो एलिजाबेथ की बेटी और उसके नेफ्यू यानी उसी बच्चे से मिलता है। वो बच्चा एलिजाबेथ की बेटी को कहता है कि पेंटिंग वाला आदमी यहीं पर ही है। फिर वो दोनों अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि हम कॉलिन्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है जहाँ पर बर्नाबस उसे अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में बता देता है। साथ साथ वो ये भी बता देता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं तो कभी भी नहीं मरा क्योंकि मैं तो इमॉर्टल हूँ। और साथ साथ वो पैलेस की कुछ खुफिया लोकेशन और खजाने के बारे में बताता है और वो एलिजाबेथ से प्रॉमिस भी करता है कि मेरे कर्स्ड होने की वजह से आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होगा। इतने सारे खजाने को देखकर एलिजाबेथ कहती है कि इतने सालों से आज तक हमें इस खजाने के बारे में नहीं पता चला। बर्नाबस कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर आपकी फैमिली का मेंबर बनना चाहता हूँ। एलिजाबेथ उसकी ये बात मान लेती है और साथ साथ वो ये भी कहती है कि ये बात हम दोनों के बीच ही सीक्रेट रहेगी। इसके बाद बर्नाबस फैमिली के बाकी मेंबर से मिलता है और अपने फिशिंग के बिजनेस के बारे में पूछता है, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि फिशिंग का बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है क्योंकि उस पर एंजेलिक ने कब्जा कर लिया है, उसने सारे फिशरमैन को खरीद लिया है। जिस पर बर्नाबस कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं बिल्कुल सही कर दूंगा सब कुछ। तभी वहाँ पर विक्टोरिया भी आ जाती है जिस पर बर्नाबस
बस उसे अपनी मर्जी का एक निकनेम दे देता है। इसके बाद हमें एंजेलिक दिखाई जाती है, जिसका फिशिंग का बिजनेस काफी सक्सेसफुल चल रहा था। एंजेलिक को जंगल में होने वाले मर्डर्स के बारे में पता चलता है। तब एंजेलिक चेक करने के लिए खुद वहां पर जाती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि बरनाबास अपनी कब्र से बाहर आ गया है और वो फौरन समझ जाती है कि बरनाबास अपने पैलेस यानी कॉलिन वुड में ही गया होगा और इसीलिए एंजेलिक भी कॉलिन वुड चली जाती है और वहां जाकर वो एलिजाबेथ से बरनाबास के बारे में पूछती है और इसके बाद एंजेलिक बरनाबास से मिलती है। अब क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे इसीलिए वो अपनी पास्ट की पुरानी बातें करने लगते हैं। बरनाबास उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसे मार दिया और मुझे कर्ज देकर वैम्पायर बना दिया। लेकिन एंजेलिक उसे तसल्ली देकर कहती है कि सब कुछ भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट लेना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए बरनाबास उसे साफ इनकार करता है और यहाँ पर बरनाबास को ये भी पता चल जाता है कि असल में एंजेलिक ने ही उनके बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया है। इसके बाद बरनाबास खजाने के पैसों से कंपनी को फिर से स्टार्ट करता है और ये बात एंजेलिक को काफी बुरी लगती है, वो काफी जेलस होती है। फिर वो साइकाट्रिस्ट बरनाबास को हिप्नोटाइज करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बरनाबास असल में एक वैम्पायर है और तब वो फौरन एलिजाबेथ के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि बरनाबास एक वैम्पायर है। अब क्योंकि वो वैम्पायर है, वो किलर है, उसे घर में रखना ठीक नहीं है, उसे घर से निकाल दो। जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो हमारे साथ इसी घर में ही रहेगा क्योंकि वो भी हमारी फैमिली यानी कॉलिंस फैमिली का एक मेंबर है। इसके बाद बरनाबास और विक्टोरिया की दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लग गए थे। एंजेलिक बरनाबास से मिलने के लिए एक मीटिंग रख लेती है और तब बरनाबास उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। एंजेलिक उससे कहती है कि तुम अपनी कंपनी मुझे सेल कर दो, लेकिन बरनाबास इसके लिए साफ इनकार कर देता है और वो एंजेलिक को कहता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के पीछे तुम्हारा ही तो हाथ है। फिर वो साइकाट्रिस्ट बहाने से बरनाबास का ब्लड निकाल लेती है। फिर विक्टोरिया को उसके ड्रीम में उसके बचपन का सीन नजर आता है कि जब वो छोटी थी तो उसे गोस्ट दिखाई दिया करते थे और इस बात से तंग आकर विक्टोरिया के पेरेंट्स ने उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया। असल में विक्टोरिया को सिर्फ एक लड़की का ही गोस्ट नजर आता था और उस लड़की का गोस्ट विक्टोरिया को बार बार एक ही चीज दिखाता था कि जैसे वो सुसाइड कर रही है। फिर कंपनी की ओपनिंग पर बरनाबास और एलिजाबेथ सेलिब्रेशन करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। फिर विक्टोरिया और बरनाबास एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पर विक्टोरिया बरनाबास को अपने बचपन की बात बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया ये सोचकर कि मैं कर्स्ड हूं, क्योंकि उसे भूत दिखाई देते थे। और उस पार्टी में एंजेलिक भी आती है और तब वो जाती है बरनाबास के पास और जब वो विक्टोरिया और बरनाबास को एक साथ देखती है तो वो जेलस हो जाती है। फिर उस बच्चे के फादर उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिससे वो बच्चा काफी दुखी हो जाता है और फिर वो अपने रूम की तरफ भाग जाता है। तभी बरनाबास के गुलाम से एक लाइट फिक्स्चर उस बच्चे के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन बरनाबास जल्दी से भागकर उस बच्चे की जान बचा लेता है और तभी बरनाबास के ऊपर सनलाइट पड़ती है जिससे वो जलने लगता है, जिससे वहाँ के सारे लोगों को पता चल जाता है कि बरनाबास कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक वैम्पायर है। और ये देखकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर बरनाबास विक्टोरिया के पास आता है, लेकिन विक्टोरिया भी वहाँ से चली जाती है। फिर बरनाबास एंजेलिक के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे ठीक कर दो, लेकिन उल्टा एंजेलिक बरनाबास को ही ब्लेम करती है कि तुमने जंगल में इतने सारे मर्डर्स किए। बरनाबास कहता है कि जो मैंने किया वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, इस सब के पीछे वजह तुम ही हो। एंजेलिक कहती है कि आज से 200 साल पहले जो मैंने तुम्हारे साथ किया था मैं उसे दोबारा भी कर सकती हूँ और मैंने विक्टोरिया को भी हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि वो भी सुसाइड करके मर जाए और कहती है कि तुम मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लो वरना मैं तुम्हें दोबारा से कब्र में दफना दूंगी, जिस पर बरनाबास साफ इनकार कर देता है और एंजेलिक उसे एक बार फिर से कॉफिन में बंद करवा देती है। फिर वो कॉलिंस फैमिली की कंपनी को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर जब एंजेलिक वहाँ से चले जाती है तब उस कब्र के पास एलिजाबेथ का नेफ्यू आता है और वो उस कॉफिन को खोल देता है। बरनाबास उस बच्चे से पूछता है कि कितने साल गुजर गए हैं, जिस पर वो बच्चा कहता है कि ज्यादा नहीं सिर्फ 20 मिनट गुजरे हैं। इसके बाद एंजेलिक पुलिस के पास जाती है और कहती है कि कॉलिंस फैमिली ने एक वैम्पायर एक किलर को अपने पास रखा था और इसीलिए वो पुलिस को लेकर कॉलिन वुड जाती है ताकि उस पूरी फैमिली को अरेस्ट करवा सके। लेकिन तभी वहाँ पर बरनाबास आ जाता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ वाकई मैं एक वैम्पायर हूँ, एक किलर हूँ और मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितने भी बुरे काम किए हैं, मैं उन सबको मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। और साथ में वो ये भी कहता है कि ये सारा किया धरा एंजेलिक का ही है और सब लोगों को एंजेलिक की रियलिटी बताने के लिए वो उसका खून पी लेता है। लेकिन इससे एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि वो एक विच थी। फिर यहाँ बरनाबास और एंजेलिक के बीच फाइट होती है और तभी उनके बीच एलिजाबेथ की बेटी
बेटी आ जाती है जो कि एक वेयरवुल्फ बन गई थी। एलिजाबेथ अपनी बेटी का ये रूप देखकर काफी हैरान रह जाती है। फिर एंजेलिक और एलिजाबेथ की बेटी के बीच फाइट होती है, लेकिन एंजेलिक उस पर ब्लैक मैजिक करके उसे अपने सामने ज्यादा देर के लिए टिकने नहीं देती। एलिजाबेथ गुस्से में एंजेलिक से पूछती है कि बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, जिस पर एंजेलिक बताती है कि जब तुम्हारी बेटी छोटी थी तो मैंने उसे एक वेयरवुल्फ से कटवा दिया था और मैंने ही तुम्हारी सिस्टर यानी उस बच्चे की मदर को समंदर में डुबा कर मारा था। और वो बर्नाबास को कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने ही मारा था। लेकिन तभी वहाँ पर एलिजाबेथ का वो नेफ्यू यानी वो छोटा बच्चा आ जाता है और वो एंजेलिक को धमकी देता है और एंजेलिक उसे कहती है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही मारूंगी। एंजेलिक उस बच्चे को मारने के लिए उसकी तरफ अभी बढ़ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उस बच्चे की मदर की सोल आ जाती है और वो एंजेलिक पर जोर से चिल्लाती है, जिससे एंजेलिक जाकर झूमर से टकराती है और वो झूमर नीचे गिर जाता है और अब एंजेलिक भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। तब बर्नाबास सबको कहता है कि जल्दी से घर से बाहर चले जाएं और देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है। तब एलिजाबेथ सबको लेकर घर से बाहर आ जाती है। बर्नाबास के गुलाम को भी होश आता है और वो भी बाहर चला जाता है। इसके बाद बर्नाबास एंजेलिक के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं और ये सब कुछ तो तुम्हारा ब्लैक मैजिक था क्योंकि तुम मेरे ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती थी। तब एंजेलिक उससे कहती है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तब वो बर्नाबास को अपना दिल निकाल कर दे देती है और बर्नाबास की आंखों के सामने ही एंजेलिक की मौत हो जाती है। फिर इसके बाद बर्नाबास घर के बाहर विक्टोरिया को ढूंढने जाता है जो कि एंजेलिक के पोजेस करने की वजह से सुसाइड करने के लिए माउंटेन्स की तरफ जा रही थी। विक्टोरिया भी कूद कर सुसाइड करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर बर्नाबास आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। विक्टोरिया उसे कहती है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते, तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि तुम वैम्पायर हो, तुम अंधेरे में रहते हो और मैं लाइट में रहती हूँ। बर्नाबास कहता है कि इसका कोई ना कोई सलूशन हम निकाल लेंगे। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है और कहते ही वो कूद जाती है। तब बर्नाबास भी उसके साथ ही कूद जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों जमीन पर गिरते बर्नाबास उसे काट लेता है। जमीन पर गिरने के बाद बर्नाबास सोचता है कि विक्टोरिया मर चुकी है और तभी विक्टोरिया वैम्पायर बनकर अपनी आंखें खोलती है और बर्नाबास को कहती है कि तुम मुझे विक्टोरिया मत कहो बल्कि तुम मुझे उसी नाम से बुलाओ जो तुमने मेरा निकनेम रखा था, क्योंकि आज से मैं भी तुम्हारी तरह एक वैम्पायर बन गई हूँ। और तब वो हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।